नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 11 का चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हमने लगभग खत्म कर ही चुके हम। और आज की जो हमारी क्लास है वो एकदम अंतिम पड़ाव पे, इस पे हम कर रहे हैं आपकी जो त्रिकोणमितीय फलन आपका जो चैप्टर है कक्षा 11 का, उसका हमने विविध प्रश्नावली 3, जिसके हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज उनके जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आज खत्म करेंगे। और आज ये जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो विविध केंद्रीय अपना जो अगला सवाल है वो क्या है, उसमें ये कह रहा है कि एक आपको tan x की वैल्यू दी हुई है -4/3, और इससे आपको पूछ क्या रहा है, sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2, यानी एंगल का कितना ही है, हाफ। कितना, हाफ। साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, इन तीनों की अपने को वैल्यू निकालनी है। और अपने को वैल्यू दी हुई है इसके अंदर टेन की, और एक कंडीशन भी दे रखी है साथ में कि जो एक्स है वो कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ अपने को ये दिया हुआ है कि एक्स है जो द्वितीय यानी दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में है, तभी तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, नेगेटिव दी हुई है यहाँ पर। तो अपने इसको सॉल्व करते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने को तीन वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के आधार पर चलते हैं कि जो अपना x, जो अपना एंगल है वो कौन से चतुर्थांश में, वो इसमें दे रखा है दूसरे चतुर्थांश में। तो हम दूसरे चतुर्थांश में अगर यहां पर देखें तो कहां से कहां तक होता है, पाई बाय टू से लेकर कहां तक, पाई तक होता है। ये क्या हुआ अपना दूसरा चतुर्थांश। तो पहले तो क्वेश्चन में क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, एक्स की वैल्यू पाई बाय टू से कहां तक, पाई तक। क्यों होगी, क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में। अब ये तो हो गया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को x, अब अपने को निकालना क्या है, निकालना तो अपने को x by 2 है तीनों के अंदर, यानी साइन के अंदर, कोस के अंदर और टेन के अंदर, तीनों में क्या निकालना है, x by 2। तो इसी को ही मैं अगर x by 2 वाले फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, यानी इसके अंदर मैं 2 से भाग दे दूं, इस पूरी असमीका में किससे भाग दे दूं, मैं 2 से अगर भाग दे दूं तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर, ये कितना हो जाएगा आपके पास x बाई टू, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। पूरे में लिख दिया 2 से भाग दे दो, या तो पूरे में हर में क्या कर दिया हमने, 2 से गुणा हर में। ये तो हुआ क्वेश्चन का, ये जो अपने निकाला है ये अपने से क्या पूछ रहा है, उसका निकाला है। तो अपने को ये पता चल गया कि जो x by 2 एंगल होगा तीनों के अंदर x by 2 है वो कौन से चतुर्थांश में होगा, यहां से अपने को ज्ञात हो गया। ताकि अपने को जो चिन्ह लगेंगे उसके अंदर, प्लस लगेगा माइनस लगेगा, वो अपने पहले निकाल लिया, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ये 0 डिग्री, यहां पर कहीं पाई बाई 4 बीच में, तो इस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। तो कौन से चतुर्थांश में हुआ, वो पहले चतुर्थांश में हुआ। और पहले चतुर्थांश में क्या होता है, साइन कोस टेन सभी क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी इन तीनों के मान अपने क्या निकलेंगे, तीनों के मान अपने पास धनात्मक निकलेंगे। अतः जो साइन एक्स बाई टू हुआ, और कौन सा, कोस एक्स बाई टू क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ये चीज अपने की निकल गई पहली, अब धनात्मक तो होंगे, अब इनकी वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। शुरुआत अपने क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है उसी से निकालते हैं। क्वेश्चन में अपने को टेन दिया हुआ है, अब टेन को अपने कैसे लिख सकते हैं, अगर टेन के लिए मैं ऐसे लिखूं, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी sec स्क्वायर x बराबर, ये कितना हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये चीज होती है कि नहीं होती है, sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पर। ये आपके पास आ गया 1, ये प्लस, और tan की वैल्यू कितनी है, -4/3, -4/3 का होल स्क्वायर। तो कंप्लीट कितना आ गया आपके पास, ये कंप्लीट आपके पास आ गया 1 प्लस कितना, 16/9, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 और 9 कितने होते हैं, 25/9, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 25/9 किसकी, sec स्क्वायर x की। यहां से अपने sec x की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी, sec x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
प्लस माइनस कितना 5/9, प्लस माइनस 5/9, ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आपके पास आई है सेकेंड्स की। इसको अगर मैं प्लस माइनस 5/3 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का इसका स्क्वायर रूट 3, तो 5/3। 25 का कितना हो जाएगा 5 और 9 का 3। यहां से अगर अपने कोस की वैल्यू निकाली तो कितनी हो जाएगी, कोस क्या होता है सेक का उल्टा, और सेक क्या होता है कोस का उल्टा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस माइनस कितना 3/5, यानी इसको मैंने उल्टा कर दिया। कोस एक्स बराबर अपने पास क्या निकला, प्लस माइनस 3/5। टेन से अपने सेक निकाला, सेक से अपने किस में आ गए कोस में आ गए, सेक से किस में आ गए अपने कोस में आ गए, यानी अपने पास जो कोस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, कोस एक्स बराबर है अपने पास प्लस माइनस कितना 3/5। ये हो गया यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में है तो मतलब दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, दूसरे में साइन और कोसेक, ये दो तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी जो चार फलन होते हैं वो आपके क्या होते हैं नेगेटिव। तो यहां से जो अपने प्लस माइनस में से कौन सा सिंबल लेंगे, कोसेक बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 3/5। क्यों, क्योंकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे में कौन माइनस होता है, कोसेक्स नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अभी तो निकला है सिर्फ कोस एक्स, अपने को तो हाफ एंगल वाला निकालना है। एक अपना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कोस 2 थीटा का, यानी कोस 2 एक्स का, कोस 2 एक्स बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है, ये चीज होती है। जब यहां पर एंगल कितना है 2x, तब फॉर्मूले के अंदर एंगल कितना आया, एक्स आया ना, यानी इसका आधा हुआ। तो अगर इसी फॉर्मूले में मैं ऐसे लिखूं कोस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा जब 2x से x हुआ है तो x से कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x/2, ये कितना हो जाएगा x/2। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि 2x से जब x में जा रहे हैं तो x से x/2 में जा रहे हैं। आप जब इसको कॉपी में नोट्स बनाओगे तब आपको इतना ही लिखना है सिर्फ, कोस एक्स बराबर कितना होता है माइनस का 3/5, और कोस तो अपना फॉर्मूला क्या होगा कोस का, यानी हाफ एंगल में cos x equals to 2 cos square x by 2 minus 1। अब जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू रख दो, cos x की वैल्यू कितनी है माइनस का 3/5, cos x की वैल्यू माइनस का 3/5, ये वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है 2 cos square कितना x by 2 और ये माइनस का 1, ये कितना माइनस का 1। तो यहां से अब निकालो 2 cos square x by 2, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी 1 माइनस कितना 3/5, 1 माइनस 3/5, तो ये कितना हो गया 5 में से 3 गया कितना बचा 2, 5 में से 3 गया कितना 2/5, और यहां पर कितना है अपने पास 2 cos square x by 2, cos square x by 2 क्या हो जाएगा, ये 2 इसके बट्टा में आ जाएगा, और कंप्लीट आपके पास क्या आ जाएगा 2/5, कंप्लीट आपके पास 2/5, ये स्क्वायर है अभी तक भी। तो यहां से अपने सिर्फ कोस एक्स बाई टू की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यानी आपके पास ऊपर अंश में क्या बचा, अंश में आपके पास बचा था 2 और हर में क्या बचा था 5, और ये 2 इसके हर में चला गया, तो 2 से 2 आपके क्या हुआ कैंसिल, बचा क्या आपके पास 1/5, तो कोस एक्स बाई टू बराबर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/√5, कितना प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा प्लस माइनस। अब अपने पास हाफ एंगल आ गया, और अपने स्टार्टिंग में देख लिया था कि x बाई टू जो एंगल होता है वो कौन से चतुर्थांश में आया, आपने वो आया अपने पास पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में क्या था, पहले चतुर्थांश में आपके पास तीनों के तीनों क्या होंगे पॉजिटिव, तीनों के तीनों आपके पास क्या होंगे पॉजिटिव। तो cos x बाई टू कितना निकल जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/√5, 1/√5। अब अपने जितने फॉर्मूले लेंगे ना यूज, चाहे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, यानी सभी फॉर्मूले अपने को हाफ एंगल के लिए यूज लेने, किसके लिए यूज लेने हाफ एंगल के लिए। एक आंसर अपने पास निकल गया कोस एक्स बाई टू, अब चूंकि एक फॉर्मूला ये भी तो होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर प्लस का कोस स्क्वायर कितना एक्स बाई टू,
इक्वल्स टू कितना होता है 1, इक्वल्स टू क्या होता है 1, कोस एक्स बाई टू की वैल्यू अपने को पता है, तो यहां से अपने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर करना है अपने को, तो 1/5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1, तो फिर ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/5, जो प्लस का 1/5 है वो इक्वल के साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4/5, कितना 4/5, ये भी वैल्यू किसकी है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की। अब स्क्वायर हटा दो इसके अंदर, जब आप स्क्वायर हटाओगे तब आपके पास क्या बनेगा प्लस माइनस 4 का कितना हो जाएगा 2, और बट्टा कितना हो जाएगा आपके पास √5, बट्टा कितना हो जाएगा आपके पास √5। अब अपने को साइन एक्स बाई टू भी पता है कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले में, तो प्लस माइनस में से कौन सा सिंबल आपको यूज लेना है, आपको यूज लेना है प्लस का, कितना 2/√5, 2/√5। अब लास्ट अपने क्या रहा है टेन रहा है, अब ये भी तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है इसका, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, तो टेन एक्स बाई टू बराबर क्या होगा, इसको तो अभी अपने ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, लिख सकते हैं इसको भी ऐसे। अब साइन एक्स बाई टू अपने पास क्या है 2/√5, कितना 2/√5, और अपॉन में कोस एक्स बाई टू कितना आता है 1/√5, कितना 1/√5। तो √5 से √5 क्या हुआ कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास, अपने पास जो वैल्यू आई वो आई 2, वैल्यू क्या आई अपने पास 2। दोबारा देखो इसको, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था अपने को 10, उससे क्या बदले अपने sec में, sec से अपने किस में आए cos में, cos की वैल्यू अपने को पता चल गई, फिर cos का फॉर्मूला अपने यूज लिया हाफ एंगल के लिए, हाफ एंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज लिया, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, तो कोस एक्स बाई टू आ गया प्लस माइनस 1/√5, तो कोस एक्स बाई टू की वैल्यू ये होगी, फिर साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये वाला फॉर्मूला अपने हाफ एंगल के लिए यूज लिया, तो यहां से अपने साइन की वैल्यू आ गई, साइन हो कोस हो टेन हो ये अपने स्टार्टिंग में निकाल लिया कि तीनों क्या होंगे तीनों पॉजिटिव होंगे, तो यहां से साइन एक्स बाई टू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2/√5, और जो टेन एक्स बाई टू है वो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू बट्टा कोस एक्स बाई टू, यानी 2/√5/1/√5, √5 से आपके क्या हो रहा है √5 कैंसिल, और ये आपके पास क्या आ गया आंसर, तो ये अपने आपके आंसर कितने निकले 1, 2 और 3, ये तीन आपके पास आंसर निकले इसके। आपको लास्ट में क्या करना है, अतः यहां तक तो खत्म हो गया, अब आपको जो आंसर निकला वो भी आपको दोबारा रखना है, एग्जाम में इसका बहुत फर्क पड़ता है, यानी आपने यहां तक तो कर लिया आप जैसे लिख रहे हो, अब आपको अगला स्टेप वो भी लिखना है, अतः साइन एक्स बाई टू बराबर इसकी वैल्यू ये है, कोस एक्स बाई टू की वैल्यू ये है, और टेन की वैल्यू ये है, ये आपको तीनों निकालने होंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1/3, और एक्स है तीसरे चतुर्थांश में, एक्स किस में तीसरे में, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है वैसा ही है, एक्स तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे में कहां से कहां तक होता है, ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा, ये होता है पाई बाई टू, ये होता है पाई, और ये कितना होता है 3π/2, तो तीसरे चतुर्थांश में वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, चूंकि जो इसकी वैल्यू आएगी एक्स की वो आएगी आपके पास पाई से कहां तक 3π/2, 3π/2 ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन अपने को क्या निकालना है हाफ एंगल के लिए निकालना है इसकी वैल्यू, तो वापस वही हर में 2 से गुणा, हर में जब 2 से गुणा करोगे या इसमें 2 का भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा π/2, ये π/2 से ये कितना हो जाएगा फिर x/2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3π/4, कितना 3π/4। अब पहले ये देखो कि ये कौन से चतुर्थांश में है, π/2 तो ये रहा, 3π/4, 3π/4 कितना होता है, π/4 कितना होता है 45, 45 इंटू कितना हो रहा है 3, तो ये किसके अंदर आ रहा है पाई के अंदर ही आ रहा है, यानी π/2 से पाई इस चतुर्थांश में आ रहा है,
इसके अंदर कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्वेश्चन में सिर्फ तीन ही चीज निकालनी है, साइन कोस टेन। तो इस चतुर्थांश में जो साइन होगा वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो टेन और कोस होंगे वो क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव। तो अपने को जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अतः जो कोस एक्स बाई टू वो कौन से टेन एक्स बाई टू, ये क्या होंगे, ये तो क्या होंगे अपने पास ऋणात्मक। और जो साइन होगा वो क्या होगा आपके पास, धनात्मक। साइन क्या होगा, धनात्मक। ये बात तो अपने गली चिन्ह की, यानी इसके अंदर जो चिन्ह लगेंगे वो कौन से लगेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में अपने को वैल्यू दी हुई है कोस एक्स की, पिछले क्वेश्चन में टेन की वैल्यू दी थी, तो अपने टेन से कोस में आए थे, लेकिन इस बार तो स्टार्टिंग इसने कोस से की है, तो वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। चूंकि जो कोस एक्स बराबर क्या होता है, कोस एक्स बराबर होता है टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का एक बट्टा तीन, माइनस का कितना, एक बट्टा तीन, दो कोस स्क्वायर एक्स बाई दो माइनस का एक। अब ये माइनस का एक इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का वन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस वन बाई थ्री, वन माइनस कितना, वन बाई थ्री। अब ये इसका आंसर कितना है अपने पास, इसका आंसर है अपने पास तीन माइनस एक, कितना होता है दो बट्टा तीन, दो बट्टा तीन। अब यहां से टू, इस टू से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कोस स्क्वायर जो एक्स बाई टू होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बट्टा तीन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक बट्टा तीन। यहां से फिर आप स्क्वायर हटा दो, बचेगा क्या अपने पास कोस, तो कोस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस एक बट्टा कितना, रूट तीन, प्लस माइनस एक बटा रूट तीन। लेकिन ये चीज अपने पहले ही बता चुके हैं कि कोस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू जो होगा वो ऋणात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं। तो यहां से अपने स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। अब यानी यहां से अपने कौन सा चिन्ह ले रहे हैं, माइनस वाला, तो कोस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, माइनस का एक बट्टा रूट तीन, कितना, माइनस का एक बट्टा रूट तीन। ये चीज अपने लिख ली यहां पर। अब कोस निकल गया है तो अब साइन निकालते हैं। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कितना, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू क्या होता है, वन। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपने कोस तो पढ़ा है, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, कितना, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब कोस एक्स बाई टू की वैल्यू यहां रख दो इसके अंदर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू वन। अब ये माइनस का एक बट्टा रूट तीन है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इस माइनस का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो बाहर जो फॉर्मूले का माइनस है वो तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो वन माइनस कितना हो जाएगा, ये एक बट्टा रूट तीन का होल स्क्वायर, और ये इसका माइनस, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, वन माइनस एक बट्टा तीन, वन माइनस एक बट्टा तीन। क्यों, क्योंकि रूट तीन का स्क्वायर करोगे तो रूट तीन इंटू रूट तीन क्या होता है, तीन। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई तीन माइनस एक, दो बट्टा तीन। किसकी वैल्यू आई है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की, तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी प्लस माइनस कितना, दो बट्टा रूट तीन, कितना, दो बट्टा रूट तीन, रूट कंप्लीट रूट में, रूट के अंदर ही दो बट्टा तीन। अब अपने जो साइन एक्स बाई टू है वो किस में आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में, तो यहां जो माइनस का सिंबल है वो तो हट जाएगा, यानी जो साइन एक्स बाई टू है वो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का कितना, रूट दो बट्टा तीन, रूट दो बट्टा तीन। कोस की वैल्यू निकल गई, साइन की वैल्यू निकल गई, तो वापस पहले की तरह टेन एक्स बाई टू कितना होता है,
टेन एक्स बाई टू आपके पास होता है साइन एक्स बाई टू, तो बट्टा कितना आ जाएगा आपके पास कोस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू बट्टा कोस एक्स बाई टू। कोस एक्स बाई टू अपने पास कितना है माइनस का एक बट्टा रूट तीन, अपॉन में तो इसके क्या आ जाएगा माइनस का एक बट्टा रूट तीन, और जो साइन एक्स बाई टू है वो आपके पास क्या है रूट के अंदर रूट दो बट्टा तीन। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपके पास है टेन एक्स बाई टू की, ये वैल्यू है आपके पास टेन एक्स बाई टू की। अब रूट तीन से रूट तीन तो हो रहा है कैंसिल, यानी ऊपर वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या रूट दो बट्टा रूट तीन, और अपॉन में फिर इसके माइनस का एक बट्टा रूट तीन, रूट तीन से रूट तीन क्या हो रहे हैं कैंसिल, तो कंप्लीट अपना जो टेन एक्स बाई टू आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का रूट दो, माइनस का कितना आ जाएगा रूट दो, यानी अपने पास कोस की वैल्यू निकल गई माइनस एक बटा रूट तीन, साइन की वैल्यू निकल गई रूट दो बटा तीन, कोस की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, साइन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, और जो टेन है वो किसमें आ रहा है वो आपके पास आ रहा है नेगेटिव। क्यों आ रहा है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में टेन और कोस दोनों ही क्या होते हैं ऋणात्मक, तो ये तीन अंश के अंदर पूछे थे ये तीन अपने निकाल लिए। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अगला अपने को दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल्स टू एक बट्टा चार, और एक्स अपने को बता रखा है एक्स कौन से चतुर्थांश में है, एक्स है दूसरे चतुर्थांश में। तो शुरुआत वही, पहले आप ये बताओ कि एक्स की वैल्यू जो है कहां से कहां तक है, तो फिर एक्स बाई टू की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये दो स्टेप दिखाओ। दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है तो दूसरा चतुर्थांश होता है पाई बाई टू से कहां तक पाई तक, यानी ये तो वैल्यू आ गई आपके पास पाई बाई टू से पाई तक, किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू। ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात अपने को करना है एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू होगा तो फिर वापस वही ये कितना हो जाएगा पाई बाई फोर, और ये एक्स बाई टू, और ये वापस अपना पाई बाई टू, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, यानी पहला चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश है तो साइन एक्स बाई टू, फिर कोस एक्स बाई टू, और लास्ट कौन सा टेन एक्स बाई टू। ये तीनों के तीनों क्या होंगे इसके अंदर, तीनों धनात्मक होंगे, तीनों इसके अंदर क्या होंगे धनात्मक। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, साइन एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है साइन एक्स। अगर अपने साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला अगर हाफ एंगल मिले तो भी इनटू में आएगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू इनटू में, उससे अपने वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी नहीं। कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला भी यूज ले तो उसके अंदर भी फॉर्मूला क्या होता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, और एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग अपने से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साइन एक्स दे रखा है, तो जो आपने जो फॉर्मूला लगाया था पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, वो फॉर्मूला पहले लगाते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है वन, ये होता है अपने को साइन की वैल्यू पता है, यानी साइन की वैल्यू तो अपने को ज्ञात है, तो ज्ञात है तो वो वैल्यू यहां रख दो, वो आपके पास कितनी हो जाएगी एक बटा चार, एक बटा चार का क्या है होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कितना है कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा और इक्वल में आपके पास है वन, तो कोस स्क्वायर एक्स आपके पास होगा वन माइनस एक बटा चार, यानी कितना हो गया एक बटा सोलह, एक बटा कितना हो गया सोलह। अब सोलह माइनस एक कितना हो गया पंद्रह, यानी पंद्रह बटा सोलह, कितना पंद्रह बट्टा सोलह, ये तो वैल्यू है स्क्वायर की। अब मैं यहां से स्क्वायर हटा रहा हूं तो फिर कोस एक्स क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस रूट पंद्रह, रूट पंद्रह, और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा अपॉन में इसके आ जाएगा सोलह का रूट कितना होता है चार, ये तो हो गया आपके पास रूट पंद्रह और अपॉन में आपके पास हो जाएगा चार। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये बताया कि जो एक्स है वो दूसरे चतुर्थांश में होता है, किसमें दूसरे में,
तो दूसरे में होता है तो फिर वही बात कि cos x अपने पास क्या हो जाएगा, cos x तो फिर नेगेटिव होगा ना, माइनस का रूट 15/4, ये वैल्यू निकली है cos x की। अब वापस वही क्वेश्चन, अपने को cos मिल गया है तो जो पैटर्न अपने पिछले दो क्वेश्चन में किया है वो का वो अपने इसमें करेंगे। वो की वो चीज आप इसमें करो, आपको क्या निकला है इसके अंदर, cos x निकला है, तो cos x निकला है तो आप sin का वैल्यू निकाल सकते हो, यानी cos x by 2 निकाल लो पहले, क्योंकि cos x equals to क्या होता है, ये होता है 2 cos square x by 2 minus का 1, कितना 2 cos square x by 2 minus 1, cos x अपने पास कितना है minus का 15/√4, minus ये root 15/ कितना 4 बराबर 2 cos स्क्वायर x by 2 minus 1। अब minus 1 को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं तो फिर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x by 2 क्या हो जाएगा, यानी इसको तो आप इधर ही रखो, इसको तो आप क्या रखना है यहीं पर रखना है, और जो ये minus का 1 है वो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 minus कितना रूट 15 अपॉन में 4, अपॉन में इसके क्या है 4। अब फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस रूट 15 और अपॉन में 4, ये वैल्यू है कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 की, ये दो अगर मल्टीपल में आ जाएगा तो ये क्या हो गया 4 × 2 = 8, तो यहां से जो कोस एक्स बाय 2 में स्क्वायर भी बटा रहा हूं, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ पूरा का पूरा रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15 और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 8, अपॉन वाला जो 8 है अब उसको मैं हटाना चाहता हूं तो कैसे हटाऊंगा, अंश और हर में इसके क्या कर रहा हूं मैं 2 से गुणा, अंश और हर में 2 से गुणा करूंगा तो फिर इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तो हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 2 रूट 15 और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा √16, अपॉन में आपके पास √16, √16 कितना होता है 4, कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपके पास आ गई रूट के अंदर कितनी 8 माइनस 2 रूट 15, रूट 15 तो है ही है उसके ऊपर फिर रूट और अपॉन में 4, अपॉन में इसकी क्या है 4, तो ये वैल्यू निकली आपके पास कोस एक्स बाई 2 की। इससे आगे आप निकाल के साइन की वैल्यू, यानी आपके पास कोस एक्स बाई 2 कितना आया, कोस एक्स बाई 2 आपके पास तो ये आया रूट के अंदर 8, फिर कितना 2 रूट 15 अपॉन में इसके क्या है 4, अपॉन में इसके 4 और ये इसमें क्या है माइनस का, ये फॉर्मूला किससे होगा अपना कोस एक्स बाई 2 का। अब निकालते हैं अपने साइन की वैल्यू, तो एक फॉर्मूला ये भी तो होता है कोस एक्स बराबर 1 − 2 sin² x/2 होता है कि नहीं होता, एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो यहां से आप कोस एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, कोस एक्स की वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन के अंदर माइनस का रूट 15/4, माइनस का रूट 15/4, ये आपने कोस एक्स की वैल्यू लिखी, फिर 1 − 2 sin² कितना एक्स बाई 2, 1 − 2 sin² x/2। अब अपने को साइन की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरी टर्म को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा 2 sin² x/2, फिर 1 और ये माइनस का कितना रूट 15, ये माइनस इस साइड आके आ जाएगा प्लस, यानी ये जो माइनस की टर्म थी वो तो मैंने इक्वल की इस साइड लिखी तो क्या होगी प्लस की। अब इसी तरह जो माइनस का रूट 15/4 है उसको भी तो मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ये इसके अंदर क्या बनेगा प्लस का और ये आ जाएगा इसके अंदर अपॉन में 4, तो फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin² x/2 = 4 + √15 और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 4, 2 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा sin² x/2 = ये इसके अंदर हो जाएगा 4 प्लस है रूट 15, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ये तो अपनी जगह पर, अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा इस बार 8, तो sin x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी वापस वही रूट के अंदर 4 + √15 और फिर √8। जैसा आपने किसकी वैल्यू निकाली थी पहले कोस एक्स बाई टू की वैल्यू निकाली, उसी तरह इसमें भी क्या करते हैं अंश व हर में 2 से गुणा रूट के अंदर, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
ऊपर वाला पार्ट तो पूरा रूट में, 8 प्लस कितना 2 रूट 15 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 16, रूट 16 कितने होते हैं 4, रूट 16 कितना होता है 4। तो ये वैल्यू तो इसके अंदर साइन कोस की और ये वैल्यू कितनी है साइन की, तो इसी तरह अपने किसकी वैल्यू निकालते हैं टेन की, किसकी वैल्यू निकालनी अपने को टेन की, टेन एक्स बाई टू क्या होता है साइन एक्स बाई टू बट्टा कोस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू अपने पास है रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट 15 कितना 2 रूट 15 और अपॉन में इसके क्या है अपॉन में 4, अपॉन में इसके 4। इसी तरह कोस की वैल्यू भी आएगी, तो कोस की वैल्यू को मैं ऐसा उल्टा लिख सकता हूं ऐसे, यानी ये 4 तो चला जाएगा ऊपर इस बार और फिर क्या हो जाएगा रूट के अंदर, रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 10x बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट 15 और अपॉन में फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा रूट के अंदर ही 8 माइनस 2 रूट 15। इसके अंदर अब मैं क्या कर सकता हूं, इसका आंसर ये भी सही है, ऊपर भी क्या है रूट के अंदर, हर में भी क्या है रूट के अंदर, तो इसको थोड़ा सा और अपने सिंप्लीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, यानी इसको मैं ऐसे ही लिखूं ऊपर वाली टर्म को, तो 8 प्लस कितना 2 रूट 15, नीचे वाली टर्म को भी ऐसे 8 माइनस 2 रूट 15। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं संयुग्मी से गुणा भाग, संयुग्मी कैसे, हर के अंदर आपको जो टर्म दी हुई है उससे उल्टे साइन की, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 प्लस 2 रूट 15 और फिर अपॉन में भी इसके क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 ये आ जाएगा इसके अंदर, ये हो गया इसके संयुग्मी से गुणा भाग। फिर आप कैसे लिखोगे 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 यहां भी पावर कितनी है 1 बाई टू, यहां भी पावर कितनी है 1 बाई टू, तो कंप्लीट इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह हर के अंदर आप कैसे लिखोगे, हर के अंदर रूट के अंदर देखो क्या दे रखा है 8 माइनस 2 रूट 15 और यहां क्या दे रखा है आपको 8 प्लस 2 रूट 15, यानी a माइनस b और फिर a प्लस b, ये टर्म आपको दे रखी है, तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4 और रूट 15 इंटू रूट 15 वो कितना हो जाएगा आपके पास 15, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये मैंने किया है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर होगा 64, 2 रूट 15 का स्क्वायर ये रहा 2 रूट 15, इसका स्क्वायर मैं करूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और फिर रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है रूट हट जाएगा 15, तो आपके पास बचा क्या 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 64 माइनस 4, 64 माइनस 60, 64 माइनस 60 वो कितना हुआ रूट के अंदर ही 4, रूट के अंदर 4, तो फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 और बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब फिर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 ऐसे लिख सकता हूं, यानी मैंने 2 कॉमन लेके हर के अंदर जो 2 है उसको क्या कर दिया मैंने उस 2 को मैंने काट दिया यहां से, यानी यहां से कैंसिल हो गया ऊपर से 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा आपके पास 4 प्लस रूट 15 और फिर जो कॉमन आया 2 वो इस 2 से कैंसिल। तो ये जो आपने जो विविध प्रश्नावली या त्रिकोणमितीय फलन की वो अपने हो गई यहां पर समाप्त, अपने इसके जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज कंप्लीट कर लिए। अब आपको क्या करना है, अगर आप नोट्स हमारे बराबर हो अगर इसके तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए और इसके अंदर जो फॉर्मूले त्रिकोणमितीय फलनों के यूज आए यानी जहां जहां इसमें फॉर्मूले लगे उन सभी फॉर्मूले को आपको याद करना है और इतने अच्छे ढंग से याद करना है कि क्वेश्चन देखते ही आप वहां पे पहचान लो कि यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। और इन फॉर्मूलों को याद करने का आपका एक ये फायदा भी है कि ये फॉर्मूले आपके जो अगले चैप्टर है उनमें कहीं ना कहीं बीच में आपके जहां भी कहीं त्रिकोणमितीय फलनों की बात होगी तो वहां आपके यूज आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे ढंग से याद कीजिए और फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।